हाय, आज हम बनाएंगे कॉटन की वस्त्रमाला। इसके लिए मैंने कॉटन लिया है, लेस लिया है, कागज का टुकड़ा लिया है, 1.5 इंच में इसको कट करके लिया है। सबसे पहले हम कॉटन से इस तरह से इसका वस्त्र बनाएंगे। तो इस तरह से लंबाई में खींचते हुए हमको एक इसका डोरा बना के लेना है। इस तरह से आप बना के लीजिए और हाथ से इसको एक ही तरफ से ऐसे मोड़ते हुए एक पूरा बड़ा वाला धागा बना के लीजिए। तो ये देखिए, जितना एक हाथ जितना हमको धागा बना के लेना है। इस तरह से मैंने एक पेपर के टुकड़े को इस तरह से कट करके इसके अंदर ये धागा डाल के लिया है। इसको हम इस तरह से 9 रोल बनाएंगे। तो इस तरह से 9 तरह से हमको ऐसे मोड़ के लेना है, जैसे कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये बनाते वक्त हमको जो ये हमारा धागा है थोड़ा टाइट लेना है, कॉटन का धागा जो हमने बना के लिया था। इस तरह से खींचते हुए हम जो है नीचे का दोरा है उसको इस तरह से पकड़ेंगे और इसको गांठ लगा के लेंगे। आप एक नहीं तो 2 गांठ लगा के ले सकते हैं। और ये देखिए, इस तरह से गांठ लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा हुआ बचा हुआ धागा है और दोरा है, वो दोनों को हम कट करके लेते हैं। इसी तरह से हम सारे बना के लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से ये फूल बन जाता है। पारिजातक का फूल रहता है, उसी तरह से फूल दिखता है। तो चलिए, अभी इसको ऐसे ही सभी बना के लिया है। लेस को मैंने इस तरह से उलन लगा के इसको माला जैसे बना के लिया है। इसको गम फेविक्विक नहीं तो फेविकॉल से इस तरह से आप सभी फूल इसको चिपका के लीजिए। आसानी से आप इसको घर में बना सकते हैं। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलिए, ताकि ऐसी ही नई नई आपको कॉटन की वस्त्रमाला और मेरे चैनल पर रेसिपीज़ भी है वो आपको मिलती रहेगी। इधर मैंने लिया है कलर, आप कलर का यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप हल्दी कुमकुम का कुमकुम है उसको मिक्स करके इसको इस तरह से भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इधर कलर का यूज़ किया है, आप कुमकुम का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, बीच में लगाएंगे तो देखिए बिल्कुल फूल जैसे दिख रहे हैं ना। इसी तरह से आप भी बनाइए और भगवान को इसको ज़रूर चढ़ाइए। तो ये देखिए, बचे हुए थोड़े फूल है इसको मैंने इस तरह से बना के लिया है। अगर आपको लेस उलन आपके पास नहीं है तो आप इस तरह से भी माला बना सकते हैं। तो मेरे पास इस तरह से थोड़े फूल बचे थे तो इसको मैंने ऐसे बना के लिया है। आप रुई का ये धागा बना के इसको इस तरह से बना के ले सकते हैं। तो ये देखिए, इसको भी मैं बचा हुआ थोड़ा सा कलर है इसको लगा के लेती हूँ। इसी तरह से मैंने बना के लिया है। मैंने इधर एक प्लेट में इसको डाल के लिया है तो आप देख सकते हैं। इस तरह से आप बनाइए और एक ऐसे बनाए मुझको ज़रूर बताइए और आपके फ्रेंड्स में इसको ज़रूर शेयर कीजिए। ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।